So hey guys, and welcome to this session, Rapid Review, Chapter Wise Analysis, The Living World. We will take and discuss. The whole notes will be from NCERT. So you must join this session guys. हर दिन हमारे साथ जुड़ जाइएगा 10 बजे की रात, ठीक है। हम लोग एक एक चैप्टर फिनिश करते हुए चलेंगे और कम्प्लीटली हमारा जो है सिलेबस इसी तरह से फुलफिल होता चला जाएगा। सो आई कैन सी यू पीपल आर ज्वाइनिंग, तो जल्दी फटाफट से जुड़ जाओ। जस्ट टर्न इट ऑन यू ऑल। 3 मिनट पहले मैंने शुरू कर दिया ताकि आप बच्चे समय से में जुड़ सकें विद द टाइमिंग ऑल्सो। ओके, सो लेट्स बिगेन इट। आपको एनसीईआरटी के सारे लाइंस में यहाँ पर रिवाइज करवा देने वाला हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट्स विल बी कवर्ड, सो डोंट वरी एट ऑल। हम लोग शुरू से ये करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो है बेटरमेंट रहे। आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार बता दें मुझे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलो मैं भी आप लोगों के चैट्स को पढ़ रहा हूँ और विपिन सर भी क्लास लेंगे, सो डोंट वरी। विपिन सर भी क्लास लेंगे, डोंट वरी गाइज, ही विल बी ऑल्सो अवेलेबल सून, है ना। उनकी भी कोर्स आएगी, फ्री आएंगी, यूट्यूब में भी आएंगी, डोंट वरी। ओके, तो अभी फिलहाल जो है, अभी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन सब कुछ याद करा दूं, क्योंकि जब भी आपने क्वेश्चंस उठा के देखा है, बायोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, बायो के कम्प्लीटली नीट 2021 का मैंने पेपर एनालिसिस आप लोगों को कराया है, वहाँ पे भी मैंने लाइन रेफर कर करके बताया था कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले होंगे। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, अभी से ही आप कर लो, अभी से ही ये आप बना लो मन कि हमें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चलना है। और ये सेशन आपको जो है अंत तक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंचा देगा फॉर दैट ऑफ एनसीईआरटी। अपने एनसीईआरटी के पकड़ में अपनी मजबूती बनाने के लिए दिस सेशन, रैपिड रिव्यू सेशन जो मैं लूँगा, आपको अंत तक सारे चैप्टर्स में कवर कर दूंगा विद द रेफरेंस, हमारा एनसीईआरटी का नोट्स रहेगा। और उस नोट्स में मैं आपको बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जनरली आपको उसके नोट्स बनाने हैं, अपने खुद भी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं कॉपी पर। ये हमारा मकसद है इस सेशन का, क्या क्या करना है आपको, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, फटाफट जल्दी से भर जाओ सब लोग जल्दी से, और बीच बीच में मैं इस पर जो है बेस्ट टेस्ट भी लेता रहूँगा, ठीक है। पढ़ के भी मैं आपको जो है सब लोग को पढ़ा लूँगा, फिर उसके बाद मैंने सोचा भी है कि टेस्ट वगैरह लेता रहूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी से इंटरेस्ट शो कीजिएगा ताकि आप सब बच्चे ना जुड़ जाए। चलो तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम लोग जब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे हम लोग जब जाते हैं फर्स्ट यूनिट पे ना, तो फर्स्ट यूनिट में आपको मिलते हैं 4 चैप्टर, देर आर 4 चैप्टर्स, राइट। तो जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपको स्टार्टिंग होता हुआ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपके 4 चैप्टर आ जाते हैं। सबसे पहला जो है द लिविंग वर्ल्ड, फिर आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लिविंग वर्ल्ड से एक ना दो आता ही है आपके नीट एग्जामिनेशन में, राइट। तो बहुत हल्के में ना लें इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर को एज ए यू कैन से बेसिक है ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से यहाँ बात की जाती है आपसे लाइफ, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसके बारे में आप क्लास 6 से ही शायद शुरू कर देते हो कि क्या है लिविंग, क्या है नॉन लिविंग, राइट। तो आप अगर देखो तो ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यहाँ आपको बनाया जा रहा है कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ शुरुआत जो कर रहे हैं विद दैट ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी क्या है वो बताने की कोशिश है। तो यू नो कि बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना, बायोज का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है। और आपके जो लोगोज वर्ड है ना, ये लोगोज वर्ड का मतलब होता है स्टडी, ठीक, ये लोगोज वर्ड का मतलब होता है स्टडी। तो इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइफ, क्या है ये, स्टडी ऑफ लाइफ है। तो ये आपका बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है एंड लिविंग प्रोसेस है, ये आपको समझ आ गया। हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही बात करेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम इनएनिमेट मैटर्स और एनिमेट मैटर्स के बीच में, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस कर दिया गया था अर्ली मैन के द्वारा ही, पहले के समय के लोग जो थे, है ना, जिसको आदि मानव कहते हो, मेंटोस की प्रचार देखी होगी आपने, ठीक है, वहां पर। तो उन्होंने इन एनिमेट मैटर में क्या रखा था, इन एनिमेट मैटर में उन्होंने पुट किया था जैसे कि विंड को, सी को, फायर को, एक्सेट्रा, लेकिन कुछ एनिमल और प्लांट को क्या किया,
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने अभी फिलहाल में कुछ ऐसा बदलाव किया है, ओके। तो ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखा हुआ है कि जो बिगेस्ट स्पिन था, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है देखो कि द बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सर्च स्टडीज वाज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेयरिंग सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब कि क्लासिफिकेशन के ओर मूव करने लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ हमें टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन, है ना। इसको हम ब्रांच क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, कैरेक्टराइजेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, नोमेनक्लेचर आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस है ना, या पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द डिस्क्रिप्शन विद दैट ऑफ नोमेनक्लेचर विद दैट ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ होल टुगेदर वी कॉल इट एज टैक्सोनॉमी, ओके डन। अब ये हमारे जो अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिटेल्स है, कई बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, बट यू शुड नॉट डू सो, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चा कभी कभी। आपने इस बार का भी क्वेश्चन देखा था, आपके जो रामाचंद्रन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था शायद, है ना। तो इस बार के भी नीट में ये क्वेश्चन साइंटिस्ट पर बेस्ड अगर आ चुका है तो मे बी पॉसिबल कि आ सकता हो। और अर्नेस्ट मेयर साहब की साइंटिस्ट जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा योगदान है साइंस ऑफ बायोलॉजी के सेक्टर में। देखो अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, कितने लगभग 100 साइंटिस्ट की जब लिस्ट बनाओगे तो उनमें डार्विन साहब का नाम आना तय है, ठीक है। सॉरी अर्नेस्ट मेयर साहब का है ना, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी को कहा जाता है। एंड मेयर हैज ज्वाइंड द हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, देखो हार्वर्ड से इनका रिटायरमेंट भी है, ठीक है। और इनको कहा गया, वहां पर नाम दिया गया, टाइटल दिया गया क्या, अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा कि वो महानतम प्रोफेसर में शामिल है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। आप इसको अगर सर्च भी करते हो तो ये एक तरह से टाइटल है जो कि वहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर और उनके लिए सम्मान के रूप में यूज किया जाता है, राइट। इनके 80 वर्ष की कैरियर रही है लगभग, देखो कितना लंबा कैरियर है इनका, एजुकेशनल कैरियर। उनमें इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को सर्च किया है, लाइक टैक्सोनॉमी पे इनका काम है, जू जियोग्राफी पे काम है, इवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स पे काम है, हिस्ट्री एंड फिलोसफी पे काम है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे एरियाज को एक्सप्लोर किया है और बहुत ही सारे एरियाज पर इनका वर्क है, ठीक है। ये कहा जाता है देखो, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर भी वर्क किया और उन्होंने सिंगल हैंडेडली इसको क्या बना दिया, एक जो है बात करने की एक चर्चा का विषय बना दिया, सेंट्रल क्वेश्चंस बना दिया, ठीक है। इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज का क्या किया, डेफिनेशन दिया, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन इन्होंने दिया, तो इट इज अर्नेस्ट मेयर, राइट। और मेयर को 3 प्राइजेज जो है वर्ल्ड वाइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज माना जाता है, इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, वो इनको मिल चुका है। यानी कौन कौन से प्राइज, बाल्जन प्राइज जो है 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में, और क्रेफोर्ड प्राइज। ये 3 प्राइज जो है बहुत ही कह सकते हो कि ये पिलर है बायोलॉजी के सेक्टर्स में। इन 3 प्राइजेस को मिल जाना मतलब ये जस्ट ऑनरेबल पोस्ट, तो ये आप कह सकते हो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको सम्मानित हुआ गया है, ठीक है। और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि इनका जो डेथ है वो लगभग 100 ऑफ ईयर्स में हुआ है, 2004 में, तो इससे याद भी आप आराम से कर सकते हो। तो 1904 में इनका बर्थ है, 2004 में इनका क्या डेथ है। तो ये बातें समझ आ रही है, किसी का कोई कमेंट यहाँ तक समझ आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है, एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, इज इट देयर, एक मिनट में देख लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। समझ आ रही है, किसी का कोई कमेंट यहाँ तक समझ आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इट शुड बी क्लियर राइट, इट शुड बी क्लियर आई थिंक, क्या दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर, प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, वॉइस सही नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है।
इट शुड बी क्लियर राइट, इट शुड बी क्लियर आई थिंक। क्या दिक्कत आ रही है? वॉइस में दिक्कत आ रही है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। आवाज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर ना? तो ये हमारा जो है 100 ईयर्स ऑफ एज ये हो गया। अब आते हैं लिविंग वर्ल्ड की तरफ। हम लोग जो है चैप्टर्स को शुरू करेंगे फटाफट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ क्या होता है। लाइफ को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? लाइफ को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बता दो फटाफट। आवाज तो सही है मेरी तरफ से भाई। ये विशाल लिख रहे हैं, विपिन सर कहाँ? विपिन सर है, बिल्कुल है बच्चा, और क्लास भी लेंगे, डोंट वरी, उनका क्लास भी आएगा। सो आप टेंशन ना लें, बट हमारा सेशन यहाँ चल रहा है तो आप इसको भी इंजॉय करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लाइफ हम लोगों को अगर डिफाइन करना हो, हम लोग क्विक रिविजन लेने वाले हैं, रैपिड रिव्यू, तो हम लोग अच्छे से जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लाइफ हम लोग कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? ये यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ लिख लो आप बगल में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटेड बाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? Exhibited by characteristics of growth, reproduction, ठीक है ना? ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, कॉन्सियसनेस हो सकता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो है उनके प्रॉपर्टीज शो होते हैं जब वो एक लाइफ कहलाता है, तब जाकर के हम लाइफ बोल पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक्चुअली क्या देखना है, वी विल बी इन डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ, है ना, फिलोसफिकल वन क्वेश्चंस हम लोग नहीं देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ नहीं देखने वाले हैं कि पर्पस क्या लाइफ का, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, ठीक है? तो हम पर्पस ऑफ लाइफ ना देख करके वी विल डिस्कस अबाउट ओनली फिलोसफिकल वन। तो फिलोसोफिकल हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज लिविंग। सेकेंड क्वेश्चन पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि लिविंग के पीछे साइंटिफिकली क्या हम दे सकते हैं अपना जो है स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो लाइफ ये हो गया हमारा। अब ये देख लो कि लाइफ के लिए कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है, दे कैन माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कमिंग टू आवर माइंड इमिडिएटली, है ना? तो दीज आर द यूनिक फीचर्स, ठीक है, ये सारे यूनिक फीचर्स के अंतर्गत माने जाएंगे। बट एक बात मैं बता दूं, एक होता है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और एक होता है आपके यूनिक फीचर्स, या कह लो डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर आप किसको बोलोगे? किसी भी पर्टिकुलर लिविंग या ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर आप किसे मानोगे? तो डिफाइनिंग फीचर कब कहोगे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को? तो इसके लिए आपको क्या जानना है कि जब हमारा कोई भी नॉन लिविंग में वो फीचर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग, ठीक है, और लिविंग सारे के सारे में वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और सारे नॉन लिविंग में क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। तब जा करके हम लोग उसको क्या बोल पाएंगे? डिफाइनिंग फीचर बोल पाएंगे, राइट? तो ये हमारे अंदर
डिफाइनिंग फीचर का प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग आगे तय करेंगे कि कौन कौन से फीचर डिफाइनिंग फीचर है, तो उस समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डिफाइनिंग फीचर तभी माना जाता है जब हमारा वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए और सारे लिविंग में वो होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी जो डिस्कस करना है वो हमारा है ग्रोथ। तो ग्रोथ को क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेजर पॉइंट्स क्या है, ग्रोथ को हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो इट इज लाइक इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और दोनों ही ग्रोथ कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, एक तो मास बढ़ जाना, एक तो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाना। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ग्रोथ का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला जाता है कि उनके ग्रोथ जो होते हैं वो सेलुलर डिवीजन से होते हैं, दे डिवाइड बाई मेनली सेल डिवीजन। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो ग्रो बाई सेल डिवीजन, लेकिन उनमें जो ये ग्रोथ है ना सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के द्वारा वो रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। राइट, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके केस में यानी कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनमें की डिवीजन भी आपको जो सेल डिवीजन है उसके थ्रू ग्रोथ भी हो रहा है, साथ में उन सेल डिवीजन के थ्रू ही वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये हम लोगों का एक तरह से स्टेटमेंट हो सकता है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए इंक्लूसिव इवेंट, दोनों को एक इवेंट के अंतर्गत माना जा सकता है। राइट, दिस कैन बी कंक्लूडेड एज अ वन इवेंट, यानी कि सिनोनिम्स हम लोग बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ भी सेल डिवीजन से और रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से, तो दिस टू थिंग्स हैपेंस बाय द सिमिलर प्रोसेस, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट एज सिनोनिमस प्रोसेस। राइट, तो ये आपको समझ आ गया। एक तो दूसरी बात करें तो प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल में फिर डिफरेंस क्या आता है, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, है ना, पूरे कंप्लीट अपने लाइफ स्पैन तक वो ग्रोथ करते हैं। बट इन एनिमल दिस ग्रोथ इज ओनली सीन अप टू सर्टेन एज, कुछ पर्टिकुलर एज तक ही ये दिखाई पड़ता है, बिकॉज हमारे जो है बोन्स जो है वो सर्टेन ग्रोथ कर पाएंगे, एडोलसेंस एज तक हमारा जो है वो ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से वो कंप्लीट थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनविट्रो एक्सपेरिमेंट या कल्चरिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर इजिली। तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे हमारा काउंटिंग करोगे ना आप माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप इजिली वहां पर डिपिक्ट कर सकते हो कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है, तो नंबर ऑफ सेल्स आपका वहां पर बढ़ता चला जाता है। ओके, अगर हम बात करें कि हायर ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स में, तो वहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टोटली क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों अलग अलग चीज है। वहां पे ग्रोथ का मतलब अलग है, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग है। रिप्रोडक्शन मतलब वहां प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी से मीन से, बट ग्रोथ एक अलग चीज है। ग्रोथ मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना, नंबर ऑफ या कह सकते हो इट इज द सेल वॉल्यूम, सेल का साइज बढ़ना। तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइंड है। हायर ऑर्गेनिजम्स में ये पूछा जा सकता है क्या ये हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट है, तो बिल्कुल यस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चा समझ आया, एंड यू नो दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ, तो मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा, अब कुछ नॉन लिविंग बींग भी हैं जो कि आपको ग्रोथ शो कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिपोजिशन के मदद से, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बाउल्डर्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, ये एग्जाम्पल याद रखना, दे ऑल्सो ग्रो, बट इनमें जो ग्रोथ होता है, सपोज दैट ये माउंटेन आप ले रखो, तो यहाँ पे स्नो का डिपोजिशन हो रहा है, स्नो का डिपोजिशन होने की वजह से क्या हो सकता है कि इनकी हाइट बढ़ जाए, है ना, इट विल बी इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ दैट माउंटेन। तो ये चीजें देखने मिल सकती है। सैंड माउंट्स में भी ऐसा हो सकता है, जो कि आप देखते हो डेजर्ट्स में मिलता है, तो धीरे धीरे डेजर्ट्स में सैंड्स का डिपोजिशन होता रहता है और वो क्या होते हैं, इट विल इंक्रीज इन दी हाइट ऑल्सो। लेकिन ये एक्चुअली में इंक्रीज जो हो रहा है, क्या इसे हम ग्रोथ कह सकते हैं ऑफ दैट ऑफ लिविंग बींग, लिविंग बींग की तरह ये ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें सेल का इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल के मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना सेल के नंबर इंक्रीज हो रहा है, इवन दे आर एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ये आप देख सकते हो लिखा हुआ एनसीईआरटी ने भी कि जो ग्रोथ इन एग्जिबिट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, वो क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस, यानी सरफेस पे मटेरियल के एक्यूमुलेशन से होता है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, इट इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर की ग्रोथ है, यानी कि इनसाइड ग्रोथ है। तो ये डिफरेंस आ गया आपके नॉन लिविंग एंड लिविंग में। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, एंड जो लिविंग है उसमें इंटरनल ग्रोथ हो गया। तो इसी वजह से हम ग्रोथ को क्या कहेंगे, कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब मिल पाता है जब वो प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए और सारे लिविंग बींग में होना चाहिए। तो यहाँ तो ये फेल कर गया, यहाँ पे नॉन लिविंग भी कुछ में आपको ग्रोथ दिखने मिल जाएगा, तो ये आप इसको क्या करोगे, इसको नहीं रख सकते डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में। ठीक है, बल्कि ये फीचर्स ऑफ ग्रोथ, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में तो आएगा, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में नहीं आएगा।
राइट सो ये चीजें हैं. सो कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड सो इट इज नॉट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम राइट. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग सिस्टम का. हम कंडीशन वहां पे लगा के समझा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में ये कैसे दिख पाएगा. दिख पाएगा तब जब इंटरनल ग्रोथ हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है. और एक लाइन आखिर में लिखा हुआ है कि डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो, मतलब कि जो डेड हो जाएंगे बिल्कुल वो तो ग्रोथ कर ही नहीं सकते. राइट तो ये कहानी है कंप्लीट यहाँ तक हो गया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात कर देंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट ऑब्वियस है. तो ये आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हो कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. सिंपली हम कह सकते हैं इट इज रीवर्ड का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करना. एंड प्रोडक्शन मतलब कि उसका कुछ कह सकते हो उसका जो है उत्पादन करना है. प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी राइट, जो कि आपको लेस और सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स होते हैं. लेस और सिमिलर मतलब कि ज्यादा सिमिलर तब होंगे जब वो आप एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखोगे, लेकिन लेस सिमिलर यानी कि वेरिएशंस आ जाते हैं जब वो सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ठीक है राइट. सो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके दो चार एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसे आपको समझना होगा कि फंगाई जो है वो मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, दे प्रोड्यूस यानी फंजाई में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्पोर्स की मदद से होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से. ठीक है, वहीं पर आप यीस्ट और हाइड्रा में देखो इट इज ऑब्जर्व राइट कि वहाँ बर्डिंग में होता है. ठीक है, यीस्ट आपने देखा है. ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा में वहाँ बर्डिंग इस तरह से आप देख सकते हो कि बर्ड्स यहाँ पे जो होता है ये बर्डिंग वहाँ पे देखने मिलता है इन द यीस्ट राइट. प्लेनेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस देखने मिलता है, जो ट्रू रीजनरेशन है. उसमें क्या होता है प्लेनेरिया में कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है जिसने लॉस्ट किया अपने बॉडी को वो फिर नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपने पढ़ा है राइट. प्लेनेरिया का अगर आप देखो तो फिगर ऐसे बना करके आप बताते हो, ऐसा ना फिगर ऐसा कुछ बताते हो. यहाँ अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये पूरा बॉडी एक बार आपको कन्वर्ट हो जाता है नए ऑर्गेनिज्म में, नीचे वाला बॉडी नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स याद रखने एनसीईआरटी में दिया रखा है, बट डिटेल्स में आपको रिप्रोडक्शन यूनिट में पढ़ना ही है. अच्छा, एक और है एग्जाम्पल यहाँ पे कि आपका जो फ्रेगमेंटेशन वाला एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनियम ऑफ मॉस, ये तीन जो है वो आपको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट ऑफ फ्रेगमेंटेशन से. तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एफ एफ पी. ठीक है, एफ एफ पी से याद रखो, एफ का मतलब हो गया पहला फिलामेंटस सॉरी फंजाई एंड देन फिलामेंटस एल्गी और फिर प्रोटोनियम ऑफ मॉस. ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए जा रहे हैं फॉर दैट ऑफ फ्रेगमेंटेशन. इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस किससे होता है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं. अब आज सबको क्लियर है, देख पा रहा हूं मैं. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो फटाफट से जुड़ जाओ, सेशन को एक बार शेयर कर दो एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट कम्प्लीटली टूडे ओनली. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी आ गया या अमीबा हो गया, उनमें आप बैक्टीरिया लेवल हो. तो उस कंडीशन में आपको पीछे बताया था कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो आपको किस में देखने मिलेगा, ओनली फॉर ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लाई होता है. दिस इज द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. क्यों है? बिकॉज रीजन मैंने पीछे ही दे दिया इसका, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो आपको रिप्रोडक्शन भी है उसमें और एक तरह से ग्रोथ का भी वो सिंबल है ना. सो ग्रोथ इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज सेल नंबर बढ़ रहा है तो वो इक्विवेलेंट है. इंक्रीज इन द सेल नंबर ना, या सेल मास बढ़ रहा है तो यही तो ग्रोथ कहलाता है. एंड वी नोटिस दैट इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, आप देखते होंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग सेपरेट यूज नहीं कर सकते. यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया तो आप क्या कहोगे उसको, ग्रोथ कहोगे या रिप्रोडक्शन? इट इज वेरी मच कंफ्यूजन है ना. तो यहाँ पे हम उसको अलग अलग टर्म ना मान के क्या मान लेते हैं, सिनोनिम्स मान लेते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा. ये पर्टिकुलरली आप अप्लाई करोगे केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के लिए. यहाँ तक समझ आ गई? अब देखो आगे क्या, कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते एट ऑल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे कि म्यूज, और म्यूज बनता कैसे है, यूनो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है ना म्यूज. दे आर फॉर्म्ड विद द फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी. ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन स्टेराइल वर्कर बी भी है. वर्कर बी में भी क्या होता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन, यू हैव रिमेंबर्ड दैट. तो वहाँ पे भी ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, बहुत से ऐसे ह्यूमन बींग्स भी हैं जो क्या है, इनफर्टाइल होते हैं, दे कैन नॉट कंसीव एट ऑल. तो ये चीजें उसमें भी देखने मिलता है. ऐसे में हम यहाँ देख रहे हैं क्या हमारे डिफाइनिंग फीचर के अंदर ये आ पाएगा, क्या इसको हम लोग ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं?
तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ये सारे लिविंग ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जा रहा। जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर भी हो गया, इनमें आप देखो नहीं मिल रहा है ना, दे डू नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि इस रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी के नहीं होने के बावजूद भी हम उसको लिविंग कह रहे हैं, तो हम ये क्या मानेंगे ना कि इट कैन नॉट बी, यहाँ पे लिखा भी है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, राइट। तो आखिर में एक और बात लिख दिया गया है कि ये तो तय बात है, इट इज ऑल बट ऑब्वियस कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो ग्रोथ नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपका क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, राइट, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। चलो फटाफट से बताओ, आपको दिक्कत है? चलो 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 फटाफट। हाँ, तो रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकता नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात तो है। लिविंग में भी कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। एग्जाम्पल मेरे साथ फटाफट बोल दो, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर भी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ रटवा दूंगा, सो डोंट वरी, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है आपको क्या बच्चा, इट इज जस्ट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जितने भी सम टोटल ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं इनसाइड दैट ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग बॉडी, तो लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी सम टोटल ऑफ रिएक्शंस हैं इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम इसको क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आपको जानते हो है ना, सारे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस तो हो रहा ही होगा। क्यों? क्योंकि लिखा भी हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, and these chemicals may be small or big, belonging to different classes or sizes or functions, are constantly being made and changed into some other biomolecules. इनको बार बार चेंज भी किया जाता है ना, यानी बनना, टूटना, बिगड़ना, ये चलता रहता है। कैटाबोलिज्म हो, एनाबोलिज्म हो, ये चलता रहता है। सो ये जो कन्वर्जन है, दैट कन्वर्जन केमिकल रिएक्शंस, इसको हम मेटाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शंस, है ना, बहुत हजारों हजार मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे होते हैं, पूरी ट्रैफिक चल रही होती है। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होता है, और ये खास बात ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं, ठीक है, या तो वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर, डजंट मैटर। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये अगर सभी ऑर्गेनिज्म्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में फॉल तो कर रहा है। तो क्या एक बार क्रॉस चेक करना बनता है कि नहीं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है कि नहीं? तो ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपका कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है जिसमें आपको मेटाबॉलिज्म देखने मिलता है। तो ये तो हमारा पूरी तरह से अब हमारा साफ हो चुका है कि मेटाबॉलिज्म को हम अब क्या कर सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग आपका ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर मान लेंगे, ठीक है, डन। अब एक सवाल उठता है क्या सर, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम बाहर की तरफ बॉडी के आउटसाइड की तरफ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो सेल्फ फ्री सिस्टम, लोग इन विट्रो सिस्टम पढ़ते हैं, तो क्या हम उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे या उसको लिविंग कह दें? तो इट इज बस आप याद रखना कि ये जो है बाहर जो आप रिएक्शन करके दिखा रहे हो लैब में, या इन विट्रो जो कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, वो आपको क्या है, दिस इज नॉट लिविंग थिंग। वो लिविंग थिंग ना हो करके वो लिविंग रिएक्शन बोला जाता है उसको, इट इज लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग थिंग। उसे लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शन। तो ये कहानी समझ आ गई। तो हमने यहाँ तक ये समझा कि आपके जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या जो मेटाबॉलिज्म है, वो आपका देखो लिखा हुआ मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के हम इसे पूरी तरह से स्वीकारते हैं, राइट, वी एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म एज एन डिफाइनिंग फीचर। क्लियर बच्चा, एवरीबॉडी डू क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में, सब कुछ क्लियर है, थम्स अप कर दो फटाफट से एक बार। एनीबॉडी एनी डाउट? ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ तक समझ आ गया। तो हमारे पास दो अभी तक डिफाइनिंग फीचर मिल चुके हैं, और दो को हमने रिजेक्ट भी कर चुके हैं। तो दो रिजेक्ट कौन कौन सा हुआ है? तो हमारा ग्रोथ रिजेक्ट हुआ है, रिप्रोडक्शन रिजेक्ट हुआ है, और सेलेक्ट किसे किसे आपने किया था, मेटाबॉलिज्म को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, दो को सेलेक्ट किया है, दो को रिजेक्ट किया है। अब नाउ कमिंग टू कॉन्शियसनेस, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो है सॉरी फॉर दैट, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। चलो तो उसको हम लोग जल्दी से फटाफट डील कर लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है? इट इज जस्ट कॉल्ड एज कि रेस्पॉन्ड कितना आप कर पा रहे हैं एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल स्टिमुली के
अगेंस्ट, ठीक है, चाहे वो स्टिमुली आपका फिजिकल हो या केमिकल हो, डजेंट मैटर, है ना, इट मे बी लाइट, इट मे बी वाटर टेम्परेचर, एनीथिंग, तो उसके अगेंस्ट आप रेस्पॉन्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो भी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। और ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस इज द मोस्ट ओबियस, ये बहुत है ना मेन, इसको हम कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह फंसते हो लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज करने में, तो सबसे सही चीज और सटीक रिजल्ट आपको जो देगा वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली है। ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये समझ लेना बच्चा, क्या ये सबके अंदर है, क्या लिविंग सबके सभी लिविंग के अंदर है? यस, इट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विल बी शोइंग दैट, और देखो लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस इन रेस्पॉन्स टू एक्टिव एनवायरमेंटल क्यूज, ये सभी आपके ऑर्गेनिज्म्स में देखने मिल जाएंगे, राइट। आगे देखो, फोटो पीरियड जो है ऑल्सो अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स दैट इज बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये लाइन भी बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो फोटो पीरियड मतलब लाइट का जो ड्यूरेशन है, लाइट के ड्यूरेशन से भी आपका जो सीजनल ब्रीडर्स है उसमें रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होते हैं। देयर कैन बी चेंज इन द सेक्स एज वेल, कि अगर कितने लाइट पड़ रहे हैं उससे डिपेंड होकर के वो सेक्स का भी चेंज हो सकता है, यानी कि मेल अगर है तो फीमेल में हो सकता है कन्वर्ट, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ है ना कुछ स्पीसीज में जो कि आपके प्लांट्स में भी देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स में देखने को मिल सकता है। तो रिप्रोडक्शन को बहुत हद तक क्या कर सकता है, लाइट का जो एक्सपोजर है वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये लाइट का एक्सपोजर मतलब क्या हो गया, लाइट क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुली हो गया, और उसके अगेंस्ट में ये आपका जो रिप्रोडक्शन एक तरह से रन कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ ए रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, राइट। यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, आज बच्चे एक ने मुझे मेल किया था इसमें ये लाइंस लिखा हुआ था, तो आप समझ सकते हो एनसीईआरटी के लाइंस पिकअप होते हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चल रहा हूँ। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स अपने अंदर जो भी आएंगे उसके उसके रिस्पॉन्सिबल में वो अपना एक्शन शो करेंगे। सो दिस इज वाई इट इज रिटन कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। सो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, यही रीजन है ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट क्या है, अवेयर है, कुछ भी हो रहा है दैट इज अवेयर ऑफ देम, है ना, उसके अगेंस्ट वो अवेयर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केवल सेल्फ कॉन्सियसनेस की अगर बात की जाए तो सेल्फ कॉन्सियसनेस यानी खुद के बिहाफ में अवेयरनेस शो करना, दैट इज ओनली इज सीन इन ह्यूमन बींग, ये केवल ह्यूमन बींग में देखने मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ मिल रहा है, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मे बी पिक्ड अप इन योर नीट एग्जामिनेशन। तो इट इज ओनली ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद के अगेंस्ट अवेयर होता है, इट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्सियसनेस, राइट। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कॉन्सियसनेस भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये पाया गया है, सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाया गया है। सो कॉन्सियसनेस को भी हम लोग ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, फटाफट जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, एनी डाउट, सेशन को शेयर करो बच्चा लोग, अभी इतने जल्दी सो जाते हो क्या आप, एवरीबडी डू शेयर दिस सेशन, क्यों मजा नहीं आ रहा है, इतने जल्दी आप लोगों ने सुस्ती पकड़ ली, 11th में अभी स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही इतनी जल्दी सुस्ती पकड़ ली, तो सेशन कैसे खत्म करोगे, रैपिड रिव्यू बताओ, रैपिड रिव्यू कैसे होगा। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट, राइट। जैसे कि कोमा पेशेंट की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, कॉन्सियसनेस तो होता है बट सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं होता, तो कोमा पेशेंट पे ये क्वेश्चन है, तो इस पर हमने कहा बात कर ली। अब बात करते हैं इंटरेक्शंस पर, इंटरेक्शंस इज द अनदर प्रॉपर्टी। तो इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है एंड टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन, फिर उसी तरह से ऑर्गन सिस्टम, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल की जितनी प्रॉपर्टीज है, दैट इज टिश्यूज की जितनी प्रॉपर्टी है, सपोज हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज की जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो कैसे शो हो रहा है, इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन अमोंग द सेल्स, जो सेल्स वहाँ है उसके इंटरेक्शन से वो रिजल्ट आ रहा है। ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, उनके सेल्स में ना होकर के इट इज प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, उनके कंस्टिट्यूएंट सेल्स के इंटरेक्शन के वजह से वो रिजल्ट आ रहा है, ओके। लाइक वाइज उसी तरह से सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो है ना उनके प्रॉपर्टीज जो है
मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करते, इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन अमॉन्ग देयर मॉलिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये लाइनिंग आपको थोड़ा अगर कभी कभी पुट अप कर सकता है एंड कंफ्यूज कर सकता है कि यह सही है या गलत है, यू शुड चूज दैट राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो आपका हायर लेवल तक आपको ले जा रहा होता है, एंड दैट इज उसी से आपको सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है ना इमर्जेंट होते रहता है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ये कहा जा सकता है कि दिस फेनोमिनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे लेवल वाइज लेवल देखने मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज बीइंग रिटन दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, देयर कैन रिप्लिकेट देमसेल्फ, दे आर इवॉल्विंग देमसेल्फ, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग ऑल्सो। तो एक तरह से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या कि दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन इवॉल्व, दे कैन रेगुलेट एंड दे कैन इंटरैक्ट। तो ये पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एक लाइन में सम अप कर दिया गया है। तो ये हमने लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, साथ में एक आखिरी लाइन लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को लिंक कर दें, तो देखा यह गया है कि सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉमन मिलता है, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल कॉमन मिलता है, लेकिन कुछ वेरिएशन के साथ, यानी पहले के टाइम का जेनेटिक मटेरियल आज के टाइम का जेनेटिक मटेरियल सेम है, बट दे आर वेरीड ओनली। तो कुछ नहीं हुआ है, बस वेरिएशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस वेरिएशन हुआ है। क्लियर है। अब आ जाते हैं डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। चलो यहां तक समझ आ गया, आप लोगों को खुद से नोट्स प्रिपेयर करना होगा बच्चा, एंड आई विल गिव माय ओन हैंड रिटन नोट्स एज वेल टेलीग्राम, लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी कवर करते हुए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, बाद में मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो थैंक यू आयुष, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, बार शेयर कर दीजिए फटाफट है ना। अब हम लोग आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग कंप्लीट नंबर एंड स्पीसीज टाइप्स ऑन दिस अर्थ, पूरे धरती में जितने भी प्रकार के और तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ऑल टुगेदर हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज करते हैं। अगर हम इसकी नंबर देखें आज तक की अगर बात करें जाए तो अभी तक और भी बढ़ गया होगा, बट हम ये रिसेंट अगर बोलें कि नंबर ऑफ डिस्कवर्ड टाइप ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं तो 1.7 to 1.8 million अबाउट। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कितना ज्यादा हमारा वेरिएशन है, लाइक तो ये चीज आप समझना कि देर इज अ ह्यूज वेरिएशंस, प्लांट्स में ह्यूज वेरिएशंस है, एनिमल्स में ह्यूज वेरिएशंस है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को समेटना एक तरह से हमारे लिए बहुत ईजी नहीं होगा, अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो इट विल बी टेकिंग आवर होल लाइफ, और तब भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एक एक करके स्पीसीज को अगर पढ़ने बैठे तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वी नीड टू क्लासीफाई देम है ना, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि हमें अगर एक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया तो हमारा काम पूरे ग्रुप के लिए हो जाता है, ये काम हमारा क्लासिफिकेशन आसान कर देता है। दूसरा ये चीज़ एक और है कि हमें नेमिंग भी करना जरूरी है, बिकॉज अगर हम बात करें लोकल लैंग्वेज की तो लोकल नेम्स जो है ना प्लेस टू प्लेस वैरी करते रहता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और हम एरिया टू एरिया अगर हम जाएंगे प्लेस टू प्लेस विजिट करेंगे तो वहाँ नाम कुछ और मिलता हुआ सुनता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इस वजह से हम एक स्टैंडर्ड नेमिंग हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, जिससे टेक्निक को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, नेम करने के टेक्निक को हम क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर। एंड नोमेनक्लेचर इज जस्ट डन व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली है ना, तो किससे बिलोंग करता है, किससे अटैच होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक किससे मैच करता है, तब जाके हम नोमेनक्लेचर दे पाएंगे, राइट। इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा एक तरह से समझ लो सबके सब जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सब के सब आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ही है सब। तो ऐसा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमें अगर नाम देना पड़े तो एक पर्टिकुलर सर्टेन रूल्स बनाने होंगे, राइट। तो उस रूल्स को बनाने की जो बॉडी है दैट इज एग्रीड प्रिंसिपल और क्रिटेरिया पर बेस्ड जो बॉडीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, यानी कि अगर हमें प्लांट्स के नाम देने होंगे तो इट विल बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट्स के नाम अगर देने हो तो किस पर बेस्ड होगा, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जो है प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ये जो डेफिनेशन है ये फुल फॉर्म आता है बच्चा। तो आप ये एग्जाम में अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन ये बिल्ड हो जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है।
नेक्स्ट जो अगर हम एनिमल का नाम देना चाहें तो एनिमल में आपका आ जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंश्योर करता है दोनों बॉडी, एक तो एनिमल के लिए, एक प्लांट के लिए, एक वायरस के लिए भी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हम ये बात कर रहे हैं कि दिस इज द सेट ऑफ रूल्स विच विल एंश्योर कि हर ऑर्गेनिज्म को केवल एक ही नाम मिले, ठीक है। तो ये अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज से पब्लिकली मीटिंग बैठा रहे हैं मान लो, तो सबके सब जो है अलग अलग नाम ना बोल करके अब एक ही नाम से उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बुलाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये एंश्योर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो नाम देना तो ठीक है, चलो नाम दे दिया, लेकिन कैसे देना है, तो इट इज जस्ट, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, और रूल्स में ये कहा गया है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब दो नाम, देयर इज टू टर्म, राइट, टू टर्म्स इन द नेम। पहला टर्म जो होता है वो इंडिकेट करता है जेनरिक नेम को, फर्स्ट टर्म विल इंडिकेट जेनरिक नेम एंड द सेकेंड टर्म विल इंडिकेट स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये दो नेम आपके, दो टर्म जो है वो आपका एक्सेप्टेड है, दैट इज द टेक्निक कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो टेक्निक दिया गया था वो कार्लस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था, दिस टेक्निक वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू वर्ड फॉर्मेट लेते हैं जो कि कॉन्वीनियंट है, जैसे मैंगो का एग्जांपल अगर लें तो मैंगो को हम लोग बोलते हैं मैंजी फेरा इंडिका, इट विल बी कॉल्ड एज मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका। इसका नाम में देखो जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो कैपिटल होता है, सेकेंड इसको ध्यान दो कि स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको स्मॉल होता है, राइट। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, द फर्स्ट लेटर इन बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट इज जीनस, सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट एंड देयर इज अ वर्ड, फर्स्ट जो वर्ड है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से, इसलिए नाम ऐसे लिखते हैं, है ना। और जब हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं, खुद से अगर कॉपी में आप लिखो नोट्स बनाते समय, तो आप उसे अंडरलाइन करना मत भूलना, अंडरलाइन करना मत भूलना। और अगर प्रिंट में देखोगे तो ये इटैलिक्स फॉर्म में दिखेगा, जैसे देखो इन सारे लेटर्स के आप देखो प्रिंटिंग, और ये जो मैंजी फेरेंडी का लिखा हुआ है उसका प्रिंटिंग देखो, डिफरेंस है ना। तो ये लैटिन में हमेशा लिखना होता है, दैट इज लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, तो ये भी ध्यान देना, दैट इज जनरली इन लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में आता है और इटैलिक्स में इसको लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज में आता क्यों है बताओ, पहले ये बताओ लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चुना गया, एनीबॉडी आंसर इन द कमेंट सेक्शन, लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों आपको इसको लिखा जाता है। फटाफट आंसर दो कमेंट में। तो लैटिन लैंग्वेज में इसलिए बोला जाता है बिकॉज कि वो डेड लैंग्वेज है ना, डेड लैंग्वेज है, तो ऐसा लैंग्वेज चूज करेंगे जो कि अब यूज नहीं होता है, ठीक है, वो डेड लैंग्वेज है, तो इस वजह से लैटिन को चूज किया गया। और नेम ऑफ ऑथर को भी लिख सकते हो आप, जिनका जो उस नाम को दिया है उस ऑथर के भी नाम आप लिख सकते हो। वो कहाँ लिखेंगे सर, तो वो लिखना है जब हमारा पूरा स्पीसीज जहाँ एंड होता है ना स्पीसीज का नाम, तो उसके आखिर में उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, रिटेन्ड एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। एंड जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंजी फेरा इंडिका नाम कार्लस लिनियस साहब ने दिया, तो हम लिनियस का क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया लीन। जैसे आपका भी घर में जैसे मान लो है नाम पंकज, तो हो गया पंकू, ऐसा होता है कि नहीं, शॉर्ट में आपको बोलते हैं ना घर वाले, ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट का नाम भी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देने वाले हैं। आपको कहाँ लिखाने वाले हैं, आखिर में, अंत में लिखने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जीनस हो गया पहला लेटर, पहला वर्ड जीनस, देन स्पीसीज, फिर आखिर में हम लोग साइंटिस्ट के नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके रूल्स ऑफ सेटअप रूल्स से आपको इंट्रोड्यूस हो गए, आप आगे बढ़िए क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज पर्टिकुलरली इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एनीथिंग इन अ ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंट कैटेगरीज। किस पर बेस्ड आप इसको अरेंज करते हो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड, ठीक है, जो आपको दिखाई पड़ता है तो उनमें आप निकालते हो कि सिमिलैरिटीज क्या है, डिसिमिलैरिटीज क्या है, उसके हिसाब से आप इसको कैटेगराइज करते हो, है ना, इट इज जस्ट कैटेगराइज। उसी तरह से कि आप समझ लो, मान लो कि आप प्लांट्स और एनिमल्स में से पर्टिकुलर ग्रुप्स देख रहे हो, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको अलग अलग ग्रुप में तोड़ सकते हो, है ना। चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे मेजर पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब टैक्सा क्या होता है, तो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट को हम टैक्सा बोलते हैं, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, तो इसमें एक पर्टिकुलर हम लोग जो है कैटेगरी को टैक्सा बोलेंगे, ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म टैक्सॉन होता है, ठीक है बच्चा। एंड पूरे कंप्लीट क्लासिफिकेशन प्रोसेस या फिर हम बोले उसमें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तो ये कम्प्लीट सेट ऑफ साइंस है, ये टैक्सोनॉमी क्या है, कम्प्लीट सेट ऑफ साइंस है, जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन,
कैरेक्टराइजेशन, इट इज एवरीथिंग राइट। बस इवोल्यूशनरी हम लोग स्टडीज को नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इवोल्यूशनरी स्टडीज अगर इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं राइट। उसको हम अगर इवोल्यूशनरी स्टडीज को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, टैक्सोनॉमी नहीं बोलते, ये थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, ये मैंने बोला आपको कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सारे के सारे क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूडेड है, टैक्सोनॉमी के इंक्लूडेड है, कुछ नया नहीं है ये। टैक्सोनॉमी जो है ना कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया बन करके आया है, ये हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हुए, बहुत पहले से यूज़ करते आए हुए। अगर देखो तो कुछ यूजेज अगर हम कर रहे हैं उनके बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन पहले से चला रहा है। लाइक हम कुछ पहनने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉथिंग के हिसाब से, खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फूडिंग के हिसाब से, है ना, रहने में अगर मकान बनाने में यूज़ हो रहा है तो शेल्टर के हिसाब से, चीज़ों को पहले से ही हम लोग क्लासीफाई करते आए हैं, ऐसा नहीं है कुछ नया आ रहा है। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में हमने बात किया कि सिस्टमैटिक्स फिर क्या है, तो सिस्टमैटिक्स यू नो इसमें क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली एक चीज़ ऐड कर देना है कि हम उसमें आपके इवोल्यूशनरी स्टडीज पर बेस्ड ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टमैटिक्स विल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। सिस्टमैटिक्स जो आया है वो डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से सिस्टेमा, जिसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। लिनियस यूज दिस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमा नेचुरी जो है टाइटल उन्होंने अपने पब्लिकेशन का दिया था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, जिसमें आपने लिनियस साहब ने देखा क्या देखा, देयर इज अ सिस्टमैटिक्स, इंक्लूड उन्होंने किया था सिस्टमैटिक्स को, मतलब उन्होंने इवोल्यूशनरी अकाउंट में लेकर के चीज़ों को समझाया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप इसको कहते हो। इवोल्यूशनरी जो है ना स्टडीज हम लोग अगर बोले तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोल सकते हो उसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, इस अकाउंट को लेकर उन्होंने समझाया था चीज़ों को। अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, चलो बात कर लेते हैं, जो हमने टैक्सा बोला था ना टैक्सोन, तो इसी पर्टिकुलर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, कैटेगरीज को जब हम लोग अरेंज करते हैं ओवरऑल डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर जो भी कह लो, तो हम उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हर पर्टिकुलर चीज़ों में रैंक होता है, कैटेगरी होता है। सपोज दैट अगर आपको कोई एड्रेस अपना पूछ लिया जाए तो आप एड्रेस भी इसी तरह से देते हो कि ये वाला गली, ये वाला मोहल्ला, फिर ये वाला पर्टिकुलर सिटी, है ना, फिर उसी तरह से आप सिटी के बाद कहाँ जाते हो, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसी तरह से स्टेट वाइज, फिर आप कहते हो कंट्री मेरा ये है, फिर कंटिनेंट ये है, तो आप धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहे हो। तो ये आपको फुल प्रूफ जो है ना, इसी तरह से हम पर्टिकुलर स्पीसीज को भी एक आइडेंटिटी देते हैं कि ये कौन सा स्पीसीज है, किस पर्टिकुलर जीनस से है, किस पर्टिकुलर फैमिली से, किस पर्टिकुलर क्लास से, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ करनी है, रैंक तय करना है हमें पर्टिकुलरली। सो ये चीज हम यहाँ देखेंगे। सो आर यू रेडी गाइस, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ। डॉक्टर हेमदार हरिजन, कोई दिक्कत, डिम्पल कुमारी, एनसीईआरटी के लाइन स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये चीजें हो गई, पहले हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सब टैक्सोन को पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर कौन सा आ जाएंगे, तो आपको बताया मैंने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। और ये फाइलम डिवीजन में अंतर क्या है, फिर अगर हम बात करें फाइलम डिवीजन को एक ही पर्टिकुलर लेवल पर रखा जाता है, तो इसमें से जो फाइलम है ना वो एनिमल के लिए यूज होता है और डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए यूज होता है, बस और कुछ अंतर नहीं, ठीक है। तो फाइलम और डिवीजन ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं स्पीसीज के अंदर बैठे, तो पर्टिकुलर हम लोग स्पीसीज पढ़ेंगे। तो स्पीसीज क्या होता है बच्चा, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो देयर इज बायोलॉजिकल डेफिनेशन, देयर इज मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन, राइट। तो ये चीजें हैं, बायोलॉजिकली डिफाइन करें स्पीसीज को तो कह सकते हो कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि खुद में इंटरब्रीड कर सकते हो एंड प्रोड्यूस कर सकते हो अपने यंग वन को, उसे हम स्पीसीज कहेंगे। बायोलॉजिकल डेफिनेशन देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट मेयर साहब थे, आपने देखा था शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इस टर्म को किसने दिया, तो इस टर्म स्पीसीज को टर्म जो उन्होंने डिफाइन, ये टर्म जिन्होंने दिया था दैट इज जॉन रे, ये टर्म जिन्होंने दिया था वो जॉन रे थे, डेफिनेशन जिन्होंने दिया था अर्नेस्ट मेयर साहब थे, जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिए थे। चीजें क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार। दिक्कत यहाँ तक बच्चा, एज आई कैन
can see the names also. Umanand, physician, Harsh Pandey. चले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि स्पीसीज में देर आर लॉट्स ऑफ स्पीसीज, राइट। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम टिबुरोसम, पोटैटो को बोलते हैं, पैंथेरा लियो और लायन, है ना। इसमें आप देख सकते हो कि जो इंडिका टर्म है, सोलैनम मैंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है, दिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। उसी तरह से सोलैनम टिबुरोसम में जो टिबुरोसम है, ये आपको स्पेसिफिक एपिथेट है। उसी तरह से लियो जो वर्ड है वो भी स्पेसिफिक एपिथेट है। और वही पहला जो नाम आप देख रहे हो, जैसे कि मैंजीफेरा, ठीक है, ये सोलैनम, ठीक, उसी तरह से पैंथरा, ये पहला नेम आपको डिनोट करता है फॉर दैट ऑफ जेनरा। तो जेनरा इज द अदर थिंग एंड स्पीसीज इज द अदर थिंग। पहला जो टर्म है वो जेनरा है, दूसरा है आपको है वो स्पीसीज है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो हर जेनस में आपको कम से कम क्या मिलेंगे, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट मिलते हैं, ठीक है। यानी जैसे सपोज पैंथरा जीनस की हम बात करें, तो पैंथरा के अंदर आपके जो है टाइगर आ जाते हैं, लियोपार्ड आ जाते हैं, ठीक है, लायन आ जाते हैं, सबके जीनस क्या है, सेम है। सोलैनम में जैसे कि सोलैनम में आपको क्या आ जाएगा, निग्रम, ठीक है, सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलोनिया, तो ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर केवल और केवल एक ही स्पीसीज है, ह्यूमन का जो जीनस है ना, होमो सैपियंस, तो होमो के अंदर केवल और केवल एक ही स्पीसीज होता है, केवल होमो सैपियंस ही है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम ही हमारा ह्यूमन बींग का, भाई ये याद रख लो कम से कम, तो अपना नाम भी तो याद रखो साइंटिफिकली। तो अपने ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नेम है क्या, वो होमो सैपियंस, ठीक है। जीनस, अब जीनस पे हम लोग आते हैं, तो जीनस जैसे कि क्या है, अपर है स्पीसीज से थोड़ा ऊपर, स्पीसीज का ग्रुप, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाएगा, जीनस कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है पैंथरा के बारे में, तो पैंथरा के अंदर आ गया आपका क्या, लायन आ गया, लियोपार्ड आ गया, टाइगर आ गया, ठीक है। उसी तरह से सोलैनम जीनस का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें पोटैटो और ब्रिंजल आ जाएंगे, पोटैटो ब्रिंजल आ जाएंगे, सोलैनम टिबुरोसम, सोलैनम मेलोजिना, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके सोलैनम के अंदर, ठीक। एंड देयर इज अनदर जीनस, इसमें फेलिस है, फेलिस जो है ना वो जीनस कैट्स के लिए होता है, देयर इज अ कैट्स, तो फेलिस के अंदर आपको कैट्स के जितने भी स्पीसीज हैं वो सब आ जाएंगे। चलो फटाफट आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक जीनस हो गया कंप्लीट। फैमिली में आ जाता है बच्चा, फैमिली, तो फैमिली उसी तरह से जीनस का कुछ रिलेटेड जीनस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे। फैमिली में एग्जांपल दे रखे हैं आपके, ये आपका सोलैनम फैमिली जो है ना, वो सोलैनम हो गया, ठीक है, पेटूनिया आ गया, धतूरा आ गया, ये सब आपके सोलैनेसी फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं। तो फैमिली को कैसे पहचानते हैं, तो वर्ड आपका एंडिंग को पकड़ो, ये जो एसी वर्ड है ना उसमें जनरली आपको पकड़ना होता है, फैमिली के एंड में आपको सोलेनेसी, जैसे कि ई लगाओ, सी लगाओ, मिलेगा फेबेसी, लिलियसी, ये वर्ड आपको लास्ट में मिलेगा एसी, तब आपको मतलब पता चल जाएगा कि वो फैमिली है। उसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल के फैमिली का, तो जो फैलिडिक फैमिली है उसमें देखो ए डी लगाओ, तो ए डी ई से पकड़ो कि वो क्या है, फैमिली। तो प्लांट का अगर फैमिली है तो ए सी ई लगा हुआ रहेगा, एनिमल का फैमिली है तो ए डी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, समझ आ गया। तो आप देखो ये जो फैलिडी फैमिली है वो उसमें टाइगर, लियोपार्ड, लायन सबको रख दिया गया है, कैट को भी, जो उसका फैमिली अलग था पहले, हाँ सॉरी जीनस अलग था ना, उसको इंक्लूड करके अब एक ही फैमिली के अंदर रख दिया गया है। दैट इज वाई जिससे कि कैट बहुत सिमिलर होता है ना टाइगर, लियोपार्ड, लायन से, तो इस वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली सब सेम है, ठीक है, फैमिली सब सेम, तो ये समझ रहा। आप देखो कैट और डॉग बिल्कुल अलग अलग है, उनके फैमिली को अलग किया गया है, यानी कैट का जो फैमिली है वो फैलिडी है, और जो डॉग है ना उसका फैमिली बिल्कुल अलग है, वो कैनिडी है। तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज वो नहीं थी जो कि फैमिलीज के अंदर सेम रख पाते, तो इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्डर्स, फिर उसी तरह से ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज जो है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज का ही ऑर्डर होगा। एग्रीगेशन ऑफ देयर कैटेगरीज, ठीक है, तो इसमें क्या है कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, यानी कि स्पीसीज से जीनस, जीनस से और ना फैमिली, फैमिली से क्लास, है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना आपके कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं कम होते चले जाएंगे,
कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते जाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। आप खुद के एग्जांपल ले लो अपने एड्रेस के हिसाब से, आपके गली में आपका पहचान जाता है, इंडिया योर सिटीज योर आपका जो पहचान है आइडेंटिटी है वो थोड़ा घट जाएगा बिल्कुल। आप फिर धीरे से और आगे बढ़ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, आपकी पहचान बहुत ही कम हो सकती है। देर इज अ रिडक्शन इन योर आइडेंटिटी। उसी तरह से स्पीसीज से जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ोगे देर इज रिडक्शन इन योर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसी तरह से ऑर्डर्स पे आने पे यहाँ लिख दिया क्या कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल क्या है कि आपके एक ऑर्डर है जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स, उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके अंदर कौन कौन सा फैमिली आ जाएगा, तो कॉनवॉल्यूशन फैमिली आ जाएगा, सोलिडेंसी फैमिली आ जाएगा। डायरेक्ट ये लाइन पिकअप होता है इन द एनसीईआरटी, और ये भी लिखा जाता है कि ये किस पर बेस्ड है, तो इसको किस आधार पर सेम ऑर्डर में रखा गया, इट इज बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स सिमिलर हैं इसके बिहाफ पर इनको प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब एक और ऑर्डर है जो कि है कार्निवोरा, तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर में हमने फैमिलीज किस तरह के फैमिलीज को रखा, जो पीछे आपने पढ़ा था जो अलग अलग फैमिलीज यानी कैट और डॉग का अलग अलग फैमिलीज है, उनको अब सिमिलर ऑर्डर में रख दिया गया है जो कि कार्निवोरा। इस तरह से देख सकते हो आप धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, इट विल बी एसोसिएशन एग्रीगेशन, है ना, एग्रीगेशन होता चला जाता है, ये आपको ऑर्डर हो गया। फिर आते हैं क्लास, क्लास क्या हो जाएगा, अब उसी तरह से रिलेटेड ऑर्डर्स का ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे कि ऑर्डर प्रीमेटा जिसमें मंकी गोरिल्ला गिबन आते हैं, उनको एक क्लास में रखा गया है जो मैमिलिया क्लास। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रीमेटा जो है इट इज प्लेस्ड विद इन इन द क्लास मैमिलिया, लेकिन उसके अंदर एक और ऑर्डर है कार्निवोरा, तो दो तीन ऑर्डर मिला करके एक क्लास बना दिया जाता है। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर हो गया, प्रीमेटा ऑर्डर हो गया, और उसके अंदर क्लास जो है कॉमन क्लास कौन सा है, मैमिलिया है। ठीक है, क्लास मैमिलिया हैज ऑल्सो अदर ऑर्डर्स, उनमें अदर ऑर्डर्स भी हैं, बहुत से ऑर्डर्स होंगे। तो ये इस तरह से समझने वाली बात है, यहाँ एग्जाम्पल एनसीईआरटी का तो कम से कम याद रखते हैं। अब बात करते हैं फाइलम, तो फाइलम जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी है, हायर कैटेगरी, यानी बहुत सारे क्लास को मिला के फाइलम बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि हम लोग बात करें फाइलम कॉर्डेटा की। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर में हम बात करते हैं कि जिसके भी फीचर्स होंगे, कॉमन फीचर्स होंगे, कौन कौन से फीचर्स, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, है ना, नर्वस सिस्टम, है ना, पोस्ट एनल टेल्स, आप देखते हैं कि जब एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो वहाँ पे फीचर्स आपको बताया जाता है। तो ये जो कॉमन फीचर्स है ना, दैट इज कम्प्लीटली गेट टुगेदर, जिसके अंदर भी ये होगा, हम फट से उसको कॉर्डेटा में डाल देंगे, ये हमारा असाइन करने की तरीका होगी। फिर उसी तरह से हम प्लांट्स में, प्लांट्स में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, इन प्लांट्स हम लोग डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। तो प्लांट्स में क्या होगा, जिसमें भी आप देखोगे कि देर इज फ्यू कैरेक्टर्स सिमिलर ना, पर्टिकुलरली उसको हम डिवीजन के अंदर डाल देते हैं, वी विल पुट इन द डिवीजन। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो है किंगडम। किंगडम जो है वो क्या है, हाईएस्ट टाइप, हाईएस्ट आपका जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो ये आप में इसमें देखोगे कि सबसे फ्यूएस्ट, बहुत कम इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप बहुत ऊपर उठ रहे हो तो कॉमन कैरेक्टर तो बट ऑब्वियस है कि बहुत कम हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि आप जैसे जैसे ही, है ना, जैसे प्लांट किंगडम पढ़ते हो, एनिमल किंगडम पढ़ते हो, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, तो ये आपका जो है फंजाई किंगडम, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली सारे डिफरेंट डिविजन, सारे फाइलम उसके अंदर में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन आप देखो, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटते चला जाता है, इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, साफ साफ लिखा हुआ, इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट, वो घटता चला जाएगा। भैया आप फोकस करें अपने क्लास में, है ना, ये चैट सेक्शंस एक्चुअली फॉर देयर डाउट ओनली, नॉट फॉर योर पर्सनल चैट, जस्ट फोकस ऑन दी क्लासेस, वी आर जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी पुटिंग हियर। मैंने आज ब्लड डोनेट किया, बट इवन ऑल्सो आई एम टेकिंग माई क्लासेस, तो भाई आप क्लासेस में फोकस्ड रहें, थोड़ा सा मजा आता है फिर आपको पढ़ने में। इतनी रात मैंने क्लासेस रखी है ताकि आप सब लोग अपने दिन भर का जो है क्लासेस इधर उधर के शेड्यूल से मुक्त होकर के क्लास पे फोकस्ड होकर ध्यान दें। लेट नाइट स्टडीज के बहुत बच्चे होते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लेट नाइट स्टडीयर्स, जस्ट ट्राई टू फोकस।
Now, lower the taxa, अगर taxa हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, there is more characteristics that will be sharing them, यानी common ज्यादा होगा characteristics. एंड जैसे हायर कैटेगरीज में जाएंगे, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप. ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं. अब ये टेबल भैया इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मत पूछो, इससे क्वेश्चन तो जम के आते हैं. याद रखना इसका, चार आपको पर्टिकुलर नाम दे रखा है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड बीट. इनके आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ऐसे याद रखना. जैसे कि मैन की अगर हम बात करें तो मैन में आ गया होमो सेपियंस, इसका जीनस पहला ही लेटर आपको पता चल गया, ये पहला लेटर ही क्या होता है, पहला वर्ड ही आपको होता है ना जीनस, तो मैनजीफेरा लिख दिया का, तो मैनजीफेरा जीनस हो गया. ट्रैटिकम इसका है तो ट्रैटिकम इसका जीनस हो गया, ये तो क्लियर हो गया. अब देखो होमो है जीनस तो फैमिली भी याद हो जाना चाहिए, होमोनिडी. म्यूसका है इसका जीनस तो यहाँ पे ऐसे म्यूसिडी, ये दोनों तो याद ही हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं. अब इसका ऑर्डर, अभी अभी बताया ऑर्डर क्या होता है, हमारे खुद के इंसान भावना, तो अपने तो ऑर्डर तो याद रखो, प्रीमेटा. क्लास में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लास तो मैमिलिया होता है, और इसका आपको फाइलम भी कॉर्डेटा होता है, तब ये दोनों तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो एनिमल किंगडम में अपने आप याद होता है. अब हाउस फ्लाई में आ जाओ, हाउस फ्लाई में जो ऑर्डर है ना वो डिक्टेरा है, वो कैसे याद रखो, चाय की प्याली मान लो, उसमें आपका मक्खी गिर गया, तो मक्खी हो गया डिप, डिप मतलब क्या होता है, गिर जाना, देयर इज अ डिक्टेरा. ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली ऐसी चीजें. इंसेक्टा हो गया इसका क्लास, कोई डाउट नहीं. आर्थ्रोपोडा हो गया इसका फाइलम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. अब मेंजीफेरा की जो फैमिली है वो कैसे याद रखोगे, एनाकार्डियेसी. एनाकार्डियेसी मतलब मान लो कार को पकड़ लो, तो आपके आम के पेड़ के नीचे कार आपने पार्क किया, तो एनाकार्डियेसी ऐसे याद रखो. सेपिंडल्स, वहीं पे आपको क्या निकल गया, स्नेक निकल गया, सांप निकल गया. ठीक है, ऐसे सांप याद रखो तो सेपिंडल्स इन द ऑर्डर, राइट. एंड उसके बाद आपके ग्लास हो गया डायकॉट, ये तो पता ही, आम की गुठली को अगर खोलोगे तो उसमें दो आपके कॉट मिलेंगे, डायकॉट मिलेंगे, कॉटिलेडॉन दो मिलेंगे ना. एंड उसका पर्टिकुलर आपको पता ही है, डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म, नो डाउट. अब आ जाते हैं वीट में, तो वीट में आपको पोएसीस का हो गया फैमिली, पोएल्स का हो गया ऑर्डर. तो पोएसी एंड पोएल्स कैसे याद रखोगे, तो पोहा आपने खाया होगा, तो पोहा मान लो कि जो है वो गेहूं वाला पोहा बना दिया मान लो, तो पोहा से पोएसी, पोएसी, पोएल्स ऐसे याद रखना. ठीक है, तो वीट का आपको हो गया फैमिली, ऑर्डर भी याद हो गया. नाउ नेक्स्ट इज क्लास, तो इसके क्लास कैसे याद रखना है बच्चा, क्लास याद रखना है तो ये जान लो इसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, तो मोनोकॉट हो गया. एंड इसके डिवीजन क्या हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे. ये पूरा चार्ट मैंने कवर करा दिया, कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट, बताओ फटाफट. क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई बच्चा कह रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई बच्चा कह रहा है आवाज क्लियर आ रही है, कोई क्या मतलब है बच्चा, एम आई नॉट क्लियरली ऑडिबल, क्लियर ना. मैं भी अपने तो फोन से सुन ही रहा हूँ भाई, तो मेरे तो मैं फोन में तो एकदम से सही आवाज आ रही है. चल भाई चल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई, सार्थक ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है. आ जाओ टैक्सोनॉमिक एड्स में आ जाओ. चलो भाई रात के स्टडीज मेरे साथ एकदम फिक्स बुकिंग कर लो आप लोग. बायो अगर 360 टू 360 लानी है, 360 टू 360 लानी है, तो एनसीईआरटी के लाइंस आपको लगाने ही होंगे. यू नीड टू जस्ट कम्प्लीटली डील विद ऑल एनसीईआरटी लाइन. और मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइंस आपको कंप्लीट जो है करवा दूंगा, सो डोंट वरी. संदीप महेश्वरी, आई थिंक योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग वेल, बिकॉज वॉइस तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं अच्छी आ रही है, और मैंने भी फोन से ऑन करके सुना तो अच्छी आ रही है आवाज़, कोई दिक्कत की बात नहीं. अब आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स में, तो एड्स का मतलब यहाँ पे आपको मदद पहुँचाना है. यानी टैक्सोनॉमिकली जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख रहे हो, या फिर आप उसके क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो उनमें जो भी आपको मदद मिल रही है, देर इज एनी काइंड ऑफ हेल्प बाई एनी रिसोर्सेज, वो आपको आ जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर, या टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर. ठीक है, वो आ जाएगा टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर. ठीक है, अब देखो
ये टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर में आप क्या क्या रखते हो? देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग, आपके जैसे बोटैनिकल गार्डन हो गए, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, कैटलॉग्स हो गया, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल इज अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, है ना। जैसे आप कोई पर्टिकुलर प्लांट्स को बहुत पहले मान लो वो एक्सटिंक्ट हो गया, अगर देखना हो तो कैसे देखोगे? तब तक उसको रिजर्व करके नहीं रखोगे, तो यू नीड टू प्रिजर्व दैट, है ना। आज भी हम डायनासोर के स्केलेटन्स देख सकते हैं क्योंकि उसे प्रिजर्व कर रखा है। तो ये हमारे सिस्टमेटिक्स स्टडीज में, टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक बहुत बेहतरीन एसेंशियल चीज़ें हैं। सो इनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट मेक सम काइंड ऑफ ए स्पेसिमेन प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। आपने देखा होगा खुद अपने बायोलॉजी लैब में जाकर के, देयर इज सम काइंड्स ऑफ प्रिजर्व्ड ऑब्जर्वेटरी मटेरियल्स, राइट। तो वहाँ पे आपके पर्टिकुलर आप कभी विजिट करो अपने बायोलॉजी लैब में, देखना वहाँ पे फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डाल करके पर्टिकुलर चीज़ों को रखा जाता है ताकि वो सब आपको दिखाया जा सके। अब आते हैं सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक एड्स है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब है जिसके अंदर आप लाइब्रेरी है एक तरह से। क्या है लाइब्रेरी? और लाइब्रेरी के अंदर हर में क्या है, बुक्स वगैरह के अंदर पेजेस रखे गए हैं। उस पेजेस पे क्या है, तो उस पेजेस के ऊपर जो है पर्टिकुलर प्लांट्स का पार्ट या फिर वो किसी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, सुखा करके चिपका दिया जाता है। देर इज कलेक्टेड देन ड्राइड एंड प्रेस्ड, और प्रेस्ड करके उसके ऊपर प्रिजर्व कर देते हैं। कहाँ पर प्रिजर्व करते हैं? उसको सीड्स के ऊपर। तो ये स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, और ये सीट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस करके उसको सीट को अरेंज कर सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। बेंथम होकर सिस्टम के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर जैसे आप लाइब्रेरी में बुक ढूंढनी हो तो आप देखते हो सेल्फ वाइज नाम लिखा रहता है कि इस सेल्फ में ये बुक है, इस सेल्फ में ये बुक है। उसी तरह से इसको अभी हम लोग सीट्स को ऐसे जैसे जैसे नहीं रख देते, वी हैव द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। कि ये कॉलम में हमारा जो है एल्गी है, ये कॉलम में हमारा क्या है, इसमें आपको ब्रायोफाइट्स है, इस कॉलम में आपको टेरिडोफाइट्स है, ऐसे आपको सजाया जाता है। और इस हर्बेरियम सीट के अंदर डिस्क्रिप्शंस होते हैं, और डिस्क्रिप्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, तो इट इज़ इंक्लूडेड कि आपने इसको पहले तो कहाँ और कब कलेक्ट किया, देयर इज अ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके नाम लिखने हैं, और नाम में कौन कौन से नाम लिखने हैं, इंग्लिश में भी, लोकल लैंग्वेज में भी, और बोटैनिकल लैंग्वेज में भी, ये तीनों नाम आप वहाँ लिख सकते हैं। उनके फैमिली के बारे में लिखिए, क्या उसका पर्टिकुलर फैमिली उस प्लांट का, कलेक्टर नाम, अपना भी नाम लिख सकते हो जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। हर्बेरियम जो है एक क्विक रेफरल सिस्टम है, क्योंकि आप तुरंत एकदम जो है बिना कहीं गए, जैसे मान लो अमेरिका का कोई भी प्लांट है उसका आपने हर्बेरियम सीट बना के अपने लैब में रखवा दिया, आपके बच्चा को अगर देखना हो कोई प्लांट ऐसा जो अमेरिका में होता हो केवल, अब उससे अमेरिका जाने की जरूरत तो नहीं है, दे कैन जस्ट रेफर देयर ओन हर्बेरियम सीट एंड वहाँ से आप उसको दिखा दो, इन्फॉर्मेशन कुछ गैदर कर सकता है वो बंदा। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम हमारे टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द क्विक रेफरल सिस्टम, व्हाट इज द क्विक रेफरल सिस्टम। एनीबडी एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक? ये देख सकते हो आप, ये हमारा हर्बेरियम का एक फोटो दे रखा है, बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह है ना, सेल्फ वाइज अरेंज कर रखा गया, और सीड्स में देखो यहाँ पे ड्राइड एंड प्रेस्ड करके रखा गया पत्तियों को। अब आते हैं हम लोग बोटानिकल गार्डन पे, चल बोटानिकल गार्डन पे आप नहीं चले तुम्हें बोटानिकल गार्डन की। तो बोटानिकल गार्डन में एक तरह का स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। ये टर्म है लिविंग प्लांट्स, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, और रेफरेंस उसका रेफरेंस हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो लिविंग प्लांट्स या उसका रेफरेंस, यानी रेफरेंस का मतलब कि उसके पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड पर्टिकुलर होगा ना, ये होता इसलिए है ताकि हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। और उसके नीचे एक तख्ती गाड़ करके उसके बारे में बॉटनिकल नेम, उसका फैमिली लिख दिया जाता है बोर्ड में, छोटा सा बोर्ड, जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, यहाँ पे ऐसे जो है बोर्ड गाड़ दिया गया, और यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है, उसका नेम वगैरह लिख दिया जाता है, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम और साइंटिफिक नेम फैमिली के साथ। अब कुछ एग्जाम्पल है बोटैनिकल गार्डन के, पूछ लिया जाता है। तो सबसे जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है वो क्यू लंदन इंग्लैंड में, रॉयल बोटैनिकल गार्डन काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन।
ठीक है। इंडिया में हमारे जो बोटैनिकल गार्डन जो फेमस है वो कौन कौन से? इंडियन बोटैनिकल गार्डन है जो कि आपके हावड़ा में, कलकत्ता में, ठीक है, और नेशनल बोटैनिकल गार्डन है जो कि आपको लखनऊ में है। तो ये दोनों तीनों एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी पलट के पूछ सकता है आपको। इट कैन बी पॉसिबल कि दोनों तीनों एग्जाम्पल कभी पूछ सकते हो आपसे। चलो प्लीज, सो डोंट बी सच काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसे में आप लोगों को फिर क्लासेस करने का भी मजा नहीं आएगा बच्चा। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द क्लासेस यार, यू गाइज आर सो मैच्योर्ड एंड यू शुड कंसंट्रेट ऑन क्लास, डोंट बी जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। अदरवाइज मैं लाइव क्लासेस ना लेकर के रिकॉर्डेड फिर डालना शुरू करूँगा। अब आते हैं म्यूजियम में। तो म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम आपका जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को रखते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें रेफरेंस के तौर पर। उसमें स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन जार और कंटेनर, जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जनरली फॉर्मलिन 4% फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, आप जैसे सपोज दैट इंसेक्ट्स रखो, तो इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए इंसेक्ट्स बॉक्स आता है, उसमें आप कलेक्ट करो, उसको किल करो और पिन करके उसको रख सकते हैं। लार्ज एनिमल को एज यूजल हम लोग उसके पूरे कंप्लीट बॉडी को, स्केलेटन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो म्यूजियम में आप स्केलेटन्स भी देखते हो एनिमल्स का। सो देयर इज लॉट्स ऑफ म्यूजियम इन योर सराउंडिंग, कभी विजिट करो अपने म्यूजियम्स पर जा करके, थोड़ा देखो मौज करो संडे वगैरह के लिए टाइम निकाल कर। अब आते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स में। जूलॉजिकल पार्क्स तो कभी सभी बच्चे गए होंगे ना कहीं ना कहीं, वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत से एनिमल्स रखे जाते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स। और ये कोशिश किया जाता है कि उनके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं जहाँ वो रहते हैं जंगल में, उन्हीं की तरह का एक व्यवस्था किया जाता है, देयर सिमिलर हैबिटाट्स, ठीक है, सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स। जैसे सपोज दैट कि आप राइनोसोरस को देखें, वहाँ उनके अंदर देखे होंगे उसके अंदर क्या होता है, नहाने की जो एक अच्छी खासी बनाई जाती है, व्यवस्था की जाती है, बिकॉज दे लव टू बी इन वाटर, है ना। तो ये चीज़ें आप पूरी तरह से ह्यूमन केयर में वो रहता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहता है, कोई खतरा नहीं है उनको। बट क्या होना चाहिए, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरा का पूरा व्यवस्था कर पाते हैं उनका, ठीक है। एनसीईआरटी भी आपसे बोलता है कि चिल्ड्रन लव टू विजिट देयर पार्क, है ना, जिसको हम जू कहते हैं। तो कभी जाओ, अगर नहीं गए हो तो कभी जाओ, अगर गए हो तो ठीक है, मजे लो, है ना। अब देखो यहाँ देखो, कुछ कुछ एनिमल्स दिखा रखे हैं, राइनोसोरस है ना, टाइगर के एलिफेंट हो गए, स्वान हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स आपको मिल जाते हैं जूज में। अब आते हैं की के बारे में। की क्या होता है आखिरकार फिर उसमें? सपोज दैट आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, अभी इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हाँ या नहीं में बस आपको बोलना है। क्या ये ऑब्जेक्ट आपको फूड के रूप में यूज किया जा सकता है? तो आप कहोगे यस या नो, ठीक है, यस या नो बोलोगे, है ना। तो ये जो मैंने पूछा आपको, दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज एज अ फूड, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, इसमें मैंने आपको दो बातें पूछी, ठीक है, इस स्टेटमेंट में मैंने आपको दो बातें पूछी, जिसमें आपने एक को एक्सेप्ट किया इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, एंड आपने एक को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमेशा एक अपोजिट ऑप्शन देता है, कीज क्या होता है, एक अपोजिट ऑप्शन देता है आपको, जिसमें आप एक स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है, और ये हमेशा पेयर में आपको मिलाएगा। जैसे सपोज अगर कोई एनिमल मिला, उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो, डज दिस एनिमल हैज फोर लेग्स, चार पैर हैं उसकी, हाँ या ना। तो अगर चार पैर हैं तो आप कहोगे यस, अगर यस कहोगे तो वो दूसरे कैटेगरी में आएगा, और नो कहोगे तो दूसरे कैटेगरी में आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना, उस स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली आप देखते हो देयर इज लीड्स, है ना, वहाँ क्या होता है, हर स्टेटमेंट को हम लोग लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, है ना, और आपका जो स्टेटमेंट में लीड में आपको दो पेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कपलेट, यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर जो दो पेयर है ना, उसको हम कपलेट बोलते हैं। तो ये है आपका की, समझ आ गया। की का हम लोग कब यूज करेंगे, की का हम लोग यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, है ना, आइडेंटिफिकेशन, किसी पर्टिकुलर नई स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग कंट्रास्टिंग वेज में क्वेश्चंस करते चले जाएंगे,
क्या इसके ऊपर स्किन है, स्किन है तो हेयरी स्किन है क्या या क्यूटिकल है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे विल बी ग्रुप्ड इन द डिफरेंट कैटेगरीज। और कीज जो होते हैं वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, ये आप ध्यान देना। एनालिटिकल मतलब देयर इज अ कंप्लीट अफर्मेशन, वहां पे क्वेश्चन होगा यस या नो में, एनालिटिकल इन नेचर। अब आते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट जो आपका टैक्सोनॉमी गेट्स है उसको छोटे छोटे बात में बता देता हूँ मैं। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ जैसे फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया का प्लांट का जितना भी स्पीसीज है उसका कंटेंट हम लोग जब रखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया, उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। मैनुअल्स क्या हो गया, मैनुअल्स हो गया कि आपको डिफरेंट एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर आपका जितना भी स्पीसीज है उसका डाटा रखा जाए तो हम उसे मैनुअल्स कहते हैं, ठीक है, ये मैनुअल्स हो गया। मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स मोनो वर्ड का मतलब समझना, तो मोनो का मतलब होता है केवल एक, तो किसी भी एक टैक्सोन पर बेस्ड, यानी किसी जीनस को पकड़ लिया मैंने उस जीनस पर बेस्ड हमारा इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे मोनोग्राफ कहेंगे, ठीक है। और कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग एक तरह का डिक्शनरी है समझो, इसके अंदर लिस्ट ऑफ सारा स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया का इन द अल्फाबेटिकल मैनर, आप आराम से उसमें ढूंढ लो अपने जीनस या स्पीसीज का जो भी ऑर्डर है, तो ये आपको कैटलॉग्स हो गया। कैटलॉग्स आप देखते होंगे बहुत सारे स्कूल्स या फंक्शन सेमिनार्स के कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो कैटलॉग्स के मतलब, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ, कैटलॉग क्या है, अगर मैचिंग के फॉर्म में दे दिया जाए तो आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखो कि फ्लोरा इज फॉर दैट ऑफ प्लांट, दैट इज किसी भी हैबिटेट एरिया में उसके प्लांट्स के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स में पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, नेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। मोनोग्राफ क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी एक टैक्सोन का पूरा बायो अपना जो है डाटा रखना, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन रखना, तो हम मोनोग्राफ कहेंगे। और कैटलॉग क्या है, तो कैटलॉग हम जान गए अभी, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिक्शनरी यू कैन से। चलो अभी तक कोई दिक्कत, ए डाउट अंटिल दिस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। हमारा यहाँ पे सेशन पूरा एक चैप्टर समझा दिया मैंने आपको, एक बार रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी को, कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी अवेलेबल, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैंने आपको कमेंट में भी आंसर दे दूंगा। सो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ओवर देयर ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग द इंस्टाग्राम आई डी हियर, वी हैव सुशील _ कुमार। चलो मिलते हैं कल, टाइम प्रोबेबली आई विल शिफ्ट इट, अगर बच्चे देखते हैं अगर कन्वीनियंटली इस टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल शिफ्ट दैट टाइमिंग। ओके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।